नमस्कार दोस्तों, उदय प्रभात के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और हमारे बीच अभी मौजूद है संगीता ढौंडियाल जी, जो कि बहुत ही मशहूर गायिका हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं आज के फंक्शन के बारे में। मैम, आपको बहुत बहुत प्रणाम मेरा। थैंक यू सो मच। उदय प्रभात के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम यहाँ पर परेड ग्राउंड में हैं। उत्तराखंड राज्य द्वारा आयोजित इस युवा महोत्सव में हम लोग पहुँचे हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी क्राउड बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो लोगों में उत्साह है और हमारे अंदर भी बड़ा उत्साह है कि हम कब जाएँ मंच में और अपनी प्रस्तुति वहाँ पर रखें। मैम, तो अच्छा मैम, आप ना अपने गीतों को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे जनता को? मेरे ज़्यादातर गीत में कोई ना कोई मैसेज होता ही है, क्योंकि हम उत्तराखंड से हैं। तो मैं अपने गीतों में उत्तराखंड की खूबसूरती को दर्शाती हूँ, उत्तराखंड के रीति रिवाज को दर्शाती हूँ और चाहती हूँ कि हमारी जो नई जनरेशन है वो भी हमारे कल्चर को समझे और उसको आगे फॉलो करें और हमारी ये संस्कृति आगे बढ़ते रहने चाहिए और बढ़ भी रही है। आजकल लोगों में देखो कि उत्तराखंडी गढ़वाली कुमाऊनी गीतों के लेकर बड़ा क्रेज़ है। पहाड़ी शादियों में जहाँ पर कभी पंजाबी संगीत या बॉलीवुड का संगीत बजता था, आज पंजाबी शादी में भी हमारा पहाड़ी गाना बजता है, तो बहुत बड़ी बात। ये बात मैम आपने बिल्कुल सही बोली है कि आज की चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, कहीं भी हो, सब जगह जो है उत्तराखंड का भपका है। ये चीज़ मैं जानती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हमारा उत्तराखंड बहुत आगे जा रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा, आजकल आपका कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग? बस अभी तैयारी चल रही है, जल्दी जल्दी दर्शकों के बीच आएगा मेरा गीत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जय उत्तराखंड। हम जो है उत्तराखंडी सबसे आगे हैं और हमारी देवभूमि, जैसे आपको पता है कि बहुत धन्य भाग है हमारे जो इस देवभूमि में हमने जन्म लिया। तो आगे की हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहे उदय प्रभात न्यूज़ चैनल के साथ।